हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक्सरसाइज क्लासेस में मैं श्रद्धा एक बार फिर से तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबके रिक्वेस्ट में, ये हमारे पॉलिटी का दूसरा वीडियो है, भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट है, इससे रिलेटेड फर्स्ट पार्ट मैंने एक दो दिन पहले अपलोड किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको हमारे वीडियोज़ को पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें या सब्सक्राइब करें, ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और इससे जो रिलेटेड एक भी वीडियो आपसे छूटने ना पाए और आप अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। पढ़ाई तो करते रहेंगे, बीच बीच में मोटिवेशन भी होता रहना चाहिए, इसलिए मैं कुछ मोटिवेशनल लाइन आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। अगर ये आपके हार्ट को थोड़ा सा भी टच करता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर देखें, क्योंकि इसके एक एक वर्ड में बहुत पावर है जो कि आपके अंदर तक समाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये क्या कहता है कि खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में, खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में, कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, ऊपर उठ जाओगे तो सब पूजेंगे। कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, ऊपर उठ जाओगे तो सब पूजेंगे, क्योंकि यहाँ इंसानियत की कीमत कम और उसके रुतबे की कीमत ज़्यादा होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको पढ़ना है, वीडियो बनना है और अपने आप को साबित करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ स्टार्ट होते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, समाजवादी, समाजवादी राज्य की जो है विशेषता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, समाजवादी राज्य में जो वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर एक पार्टी का शासन हो जाता है, ठीक है। नाम का वास्तविक लोकतंत्र रहेगा, इसमें एक पार्टी का शासन रहेगा, उसका वर्चस्व रहेगा, और इसमें जो सेना रहेगी उस पार्टी के केंद्रीय संगठन के रूप में हो जाएगी, ठीक है। तो मीन्स बस कहने को वास्तविक लोकतंत्र रहेगा, लेकिन शासन जो होती है वो एक आदमी, एक पार्टी के हाथ में हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान संशोधन माना जाता है, मिनी संविधान माना जाता है, मीन्स इसमें इतना संशोधन हो गया कि उसे मिनी संविधान का दर्जा दे दिया गया। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, क्या है, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन जो है, इसमें क्योंकि प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में भी संशोधन हुआ है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए हैं वो प्रस्तावना के साथ साथ, इसके उद्देशिका या प्रियम्बल के साथ साथ, इसके कई आर्टिकल्स में भी चेंजेस लाए हैं इस संशोधन में जो है, प्रस्तावना में बाद में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तीन शब्द जो हैं वो बाद में जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये अक्सर करके बहुत सारे कंपिटेटिव एग्जाम्स में पूछे हैं कि 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से सारे वर्ड जोड़े गए हैं, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द बाद में जोड़े गए हैं, और इसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, भारत में एकल नागरिकता मीन्स एक जगह की सिटीजनशिप कहाँ से अपनाई गई है। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, इंग्लैंड से, ठीक है। इंग्लैंड में एकल नागरिकता है और वहीं से ये भी हम लोग अपनाए गए हैं। और आपको पता है फ्रेंड्स कि भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है पूरी दुनिया का, ठीक है। और इसमें जो है कई देशों से कई इंपॉर्टेंट चीज़ लिए गए हैं, जो कि अभी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो जो एकल नागरिकता की अवधारणा वो ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। और इसमें जो है जो, और अमेरिका स्विट्जरलैंड में जो है दोहरी नागरिकता है, अमेरिका स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है, जबकि जो ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। तो इसका आंसर फ्रेंड, संघीय सरकार की व्यवस्था, ठीक है। मीन्स इसमें संघ व राज्य की दोहरी नागरिकता होती है, जैसा कि अमेरिका के संघीय सरकार में, ठीक है। अमेरिका की संघीय सरकार में भी दोहरी नागरिकता है और संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, सेकेंड पार्ट, भाग दो, ठीक है। भाग दो में संविधान में जो है नागरिकता का वर्णन है, और 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग दो में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संघवाद निकट है, भारतीय संघवाद निकट है किसके, किसके फ्रेंड्स, कनाडा के, भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ, मतलब केंद्र शक्तिशाली और उसके साथ साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है। तो इसका आंसर भी फ्रेंड्स क्या है, कनाडा, ठीक है। मीन्स इसमें केंद्र तो सशक्त होता ही है, साथ साथ
संघात्मक शासन व्यवस्था भी है, ठीक है, केंद्र भी सशक्त है और संघात्मक शासन व्यवस्था भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है, ठीक है, विधि के जो शासन की संकल्पना है कहाँ के संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है, तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, ये भी आप सबको पता होगा आई थिंक, इसका आंसर है ब्रिटेन, ठीक है। जो विधि का जो शासन होता है उसका सीधा अर्थ क्या होता है, कानून का शासन, विधि का शासन यानी कानून का शासन, इसमें किसी एक इंडिविजुअल की इच्छा नहीं चलती है, ठीक है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी भी पोस्ट पे हो, ठीक है, लेकिन वो सब कानून के सामने सब समान है, कानून का सबको समान संरक्षण मिलेगा, ठीक है, कानून के सामने सब समान है और कानून का समान संरक्षण सबको प्राप्त होगा, ये विधि का शासन है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, ये तो पक्का आप सबको पता होगा, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को, क्योंकि उन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, वो प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे और उन्हीं के लीडरशिप में अंतिम रूप में संविधान का निर्माण हुआ, अंतिम रूप से संविधान का निर्माण भी इन्हीं के लीडरशिप में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है, हमने बताया था फ्रेंड्स कि हमारे संविधान में बहुत सारे देशों से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिए गए हैं, तो ये जो हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स यूएसए से न्यायिक समीक्षा की धारणा ली गई है, इसे न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं और इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में कितने मदे हैं, मतलब कितने विषय हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स कि संघ सूची में 97 विषय हैं और जो राज्य सूची में कितने विषय हैं 66 और संवर्ती सूची में 47, तीन विषयों में से तीन भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और संवर्ती सूची में 47 विषय हैं, ठीक है, और इसका वर्णन जो है संविधान के 7वें अनुच्छेद में किया गया है, 7वें अनुच्छेद में। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, और इसे इस राज्य को विशेष संवैधानिक स्थिति प्राप्त है, अलग से संवैधानिक स्थिति प्राप्त है और इसका अपना खुद का संविधान है जिसके अनुसार अनुरूप इसका शासन चलता है, ठीक है, इसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अनुसार ये अपना शासन चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, अगर वह स्वेच्छा से दूसरे देश की, तीसरा इसका आंसर है, दूसरे देश की नागरिकता अगर वो ग्रहण कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग से मतदाता की पेशकश की, तो इसका क्या है आंसर फ्रेंड्स बताइए, इसका आंसर है एक्ट ऑफ 1909, ठीक है, 1909, ठीक है, इसे माले मिंटो सुधार भी कहते हैं, इसका नाम माले मिंटो सुधार भी है और इसके द्वारा मुसलमानों के लिए अलग से मतदाता व्यवस्था की गई थी, ठीक है फ्रेंड्स, और जो एक एक्ट था 1919 उसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था शुरू हुई थी, ठीक है, 1909 के द्वारा माले मिंटो सुधार द्वारा अलग से मुसलमानों के लिए मतदाता की व्यवस्था और 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स यूएस, क्या है फ्रेंड अमेरिका, यूएसए, ठीक है, अमेरिका से, और जो वर्तमान में भारत में जो है 6 फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका वर्णन है, वर्तमान में भारत में कुल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, मतलब पूरा पहले समय में कितने दिए गए थे, तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, इसका आंसर है 7, ठीक है, पहले 7 थे लेकिन बाद में 44वें संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा 1979 में इसके मौलिक अधिकारों में से जो एक अधिकार था उसको हटाकर
संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो कि अब अनुच्छेद 300A में है। ठीक है, संपत्ति को अधिकार को हटाकर इसे कानूनी अधिकार दर्जा दे दिया गया और अनुच्छेद 300A में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों का हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? अगर किसी के मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो इससे संबंधित जो मामला है वो उच्चतम न्यायालय में ले जा सकता है। तो इसका आंसर है धारा 32। ठीक है, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से भी जाना जाता है। और भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रिट जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका आंसर है उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, कोई उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये रिट जारी की जाती है, और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के द्वारा तथा उच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, उसे अपनी रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है अपना रिट, सर्वोच्च न्यायालय 32 अनुच्छेद और उच्चतम न्यायालय जो है 226 के तहत। ठीक है, रिट जारी कर सकता है। 20वां और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसका जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करना बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है। और यह सरकार व गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ठीक है, सरकारी आदमी हो चाहे गैर सरकारी आदमी हो, दोनों ही व्यक्तियों के विरुद्ध इसको जारी किया जा सकता है। उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय इसे जारी कर सकती है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत होना। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, आप मेरे वीडियोस को लाइक बहुत कम करते हैं। और अगर हो सके तो अच्छे से पढ़ाई करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और आप पढ़ते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबको थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।